सर हम आपके साथ अभी अंदर चलते हैं, लेकिन सर हम चाहते हैं एक बार मीडिया का पर्सन भी एक साथ में जाना। मीडिया को नहीं, मीडिया को बाद में हम ब्रीफ करेंगे। देखो बड़ी साफ सुथरी बात है, ये नहीं देखिए शर्तों से काम नहीं चलेगा, आपसे बात करके हम मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे। देखो दो बात, एक बात ये है कि भाई एक बात है सीन क्रिएट करना, अगर आप सीन क्रिएट करने आए हैं तो ओके। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है, मैं हूं ललित खजूरिया। तो बच्चों ने जिस तरह से यहां पे प्रोटेस्ट किया और इनकी मांग थी कि नेता यहां पर आए, विभोध गुप्ता जी जो MLC रह चुके हैं वो यहां पर आए। विभोध जी आपको साथ लेकर चलेंगे, आपको साथ लेकर क्या कहेंगे? हमारा इतना ही कहना है कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये स्टूडेंट जो पढ़े लिखे हैं ये हमारे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50,000 नौकरियों की बात की थी, 10,000 नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट हो गई है। अब जहां तक की तो कैंसिल कर दी, 8-10,000 की तो कैंसिल कर दी। नहीं कैंसिल 12,000 की नहीं हुई, आप 8-10 भी नहीं हुई। अच्छा, कोई अगर हुई हमें, हम तो उसमें नहीं, अभी तो अभी उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई। मुद्दा ही नहीं पता, नहीं मुद्दा सारा पता है हमें, मुद्दा यही है कि हमने 10,000 नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट की कैंसिल। और आप सुनिए ना, आप सुनिए, सुनने का थोड़ा जिगरा रखे आप, थोड़ा सा सुने ना, जिगरा तो हमारा जिगरा। नहीं अगर इन्होंने इतना जिगरा रखा तप्ती सड़क पर ही बैठे, हम भी इनके साथ बैठे हुए हैं, हम भी इनके साथ ही तप्ती सड़क पर बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने आवाज आपको दी अंदर और आप नहीं आए, फिर हमने जाने की कोशिश की, हमें रोका गया, फिर आपको वहां पे किसी ने सुनाया होगा कि भाई ऐसे ऐसे है, लंच हो रहा है उसके बाद आते हैं। ठीक है, लंच कोई नहीं, ऊपर मीटिंग चल रही है, यही बताया गया। ये प्रदीप जी, आपने खुद कहा था मीटिंग चल रही थी, आपने क्या कहा था? यहाँ पर आए हैं आप, आपने क्या कहा था? आपने क्या कहा था? मीटिंग चल रही है, मीटिंग में इस समय वो नहीं मिल सकते। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए आपने क्या कहा था, इन्होंने सुनिए, शर्तों के साथ विभोध गुप्ता जी कह रहे हैं, शर्तों के साथ ये बात होगी और शर्तें इन्हीं की हैं कि मीडिया वहां पर अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए, ये शर्तों के हिसाब से लेकर जा रहे हैं, तो ठीक है जो शर्तें हैं वो बता दी जाएगी, लेकिन इतना साफ है कि साफ हो गया कि बच्चों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। हमें नहीं आने देंगे ये, हम वो करेंगे नहीं, हमें नहीं जाने देंगे ना। ये देखिए एहसान नहीं, एहसान जता रहे हैं, कह रहे हैं अगर चलना होगा तो बताइए। ये एहसान, ये जो एहसान की पॉलिटिक्स चल रही है ये सबसे वो है, और यहाँ पे शर्तें रख रहे हैं कि आपको सीन क्रिएट करना है, आपको हल चाहिए, तो बताइए क्या आप सीन के सीन क्रिएट करने आए हैं? सर इतनी धूप में कोई सीन क्रिएट करने आ सकता है? आप खुद बैठे यहाँ पे, नीचे बैठ के देखे, आपको पता चलेगा कि क्या गर्मी है और किस हालत में हम यहाँ पे आए हैं। सर मेन बात ये है कि ये मीडिया वालों के सामने आना ही चाहते हैं, क्योंकि मीडिया सच्चाई पूछेगी, उनके पास जवाब ही नहीं है, मेन बात वो है सर। और हमसे सर ये जुमले करना चाहते हैं। देखिए ये इसलिए मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे, साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है सच्चाई प्रकट करती है। मुझे ये बताइए, ये इन्होंने जब मैंने कहा कि खाना, इन्होंने कहा था खाना, क्या इन्होंने कहा था? नहीं, मेरे साथ जो थे बताओ कौन था उस समय मेरे साथ जो जा रहे थे। सर बोलते कि लंच कर रहे हैं, कर रहे थे ना जी सर, कि एक मीटिंग के लिए दूसरे लंच कर रहे थे, जब लंच हो जाएगा। बिल्कुल जो सर आप, तो ये सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये डायरेक्ट अटैक करने की अपनी एक पॉलिसी अख्तियार कर लेते हैं। शर्तें रखी जा रही हैं, यानी कि युवाओं के फ्यूचर को इन्होंने बनाना है, लेकिन शर्तों पे बनाना है। शर्त रखी जाएगी, शर्त रखी जा रही है, और युवा भी परेशान है कि वो जाएंगे। देखिए ये जा रहे, हमें जाने की इजाजत भी नहीं और ना ही हम जाना चाहेंगे, आप जाइए। और हम चाहते हैं कि इनको एक मजबूत इसका एक हल मिले, आश्वासन मिले, ये बात चलेगी। लेकिन विभोध गुप्ता जी, इतना आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके बच्चे जिस दिन बेरोजगार होकर सड़क पर उतरेंगे उस दिन आपको दर्द का एहसास होगा कि आम लोगों के बच्चे जब सड़क पर उतरते हैं तो उस समय क्या दर्द होता था उनके माता पिताओं का, आपको भी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ये देखिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और जो लीड कर रहे थे उसी को बाहर निकाल दिया गया है। तो चलिए एक अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना ये है कि पत्रकारों को ये अंदर नहीं आने देंगे, खासकर उनको जो सवाल पूछते हैं।